उस समय अपने
सेवाओं के अंदर योगदान दिया। और एक बच्चा जब पढ़ने का समाज के अंदर तो समाज का निर्मित करता है, परिवार का और समाज को आगे ले जाने का काम। और आपने देखा होगा कि समाज के अंदर शिक्षा आध्यात्मिक संस्कृति का ज्ञान पहुंचता है। उस समाज के अंदर एक सामाजिक आर्थिक परिवर्तन आता है। लेकिन अब 71 वर्षों के बाद भी हमें हमारे संतों ने हजारों वर्षों तक भारतीय संस्कृति के ज्ञान के माध्यम से हमें संस्कृत होने का समाज के आज की संध्या भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं। और समाज के अंदर आध्यात्मिक ज्ञान से कैसे व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन हो सकता है उसका उस समाज को उद्देश्य एक संत समाज का इस भारत के अंदर इस संस्कृति को बचाने में महत्वपूर्ण होता है। भारतीय संस्कृति को खत्म करने के लिए कई वर्षों तक कई अलग अलग संस्कृति विचारधाराओं के लोगों ने राज किया, लेकिन भारत की संस्कृति को कोई खत्म नहीं कर सका, क्योंकि हमारे संतों ने उस विकट परिस्थिति में भी भारत के आध्यात्मिक ज्ञान और संस्कृति को जीवन रखा। ये संतवाद का और इसलिए आज मैं कह सकता हूं कि इस समर्पण सेवा के माध्यम से इस समाज में परिवर्तन हुआ है। लेकिन हमें और परिवर्तन करने की आवश्यकता, हमें इसके लिए साझे प्रयास करने मिलकर प्रयास करने होंगे। और वो बच्चा पढ़ करके आगे चलेगा, जो परिवार आगे चलेगा, जिनके जीवन में समाज में जो कुछ भी सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हुआ है उसको समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को बदलने के लिए एक कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता। समाज के राष्ट्रीय अधिवेशन में क्या उस समय मैंने कहा था कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए एक पीढ़ी को बलिदान देने की परिश्रम के साथ आध्यात्मिक के कारण उनके हर काम में आध्यात्मिक धर्म के कारण सत्य हो, कठिन परीक्षा में सत्य पर करने वाला हो, सुसंस्कृत समाज हो, वो समाज के अंदर निश्चित रूप से परिवर्तन आ। और ये परिवर्तन हमें लाना ही है। जब आप मेरे पास आए थे तो मैंने कहा मैं निश्चित आपके समाज का और मेरा वचन है, आप मिलेंगे हम मिलेंगे मिलकर इस समाज के अंदर सामाजिक आर्थिक और शिक्षा के माध्यम से एक नए परिवर्तन के इतिहास में। और इसलिए गाँव जाना, शहर के अंदर जाना, जिस समाज से हमारा आध्यात्मिक दूर जाता है वैसे ही समाज के लोगों को उन गाँव के अंदर क्या समाधान का अभी मामला
अखिल भारतीय राजनीति मंडल के कार्यक्रम को सम्मिलित किया।